और जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी पहली वीडियो जो है वो डील करती है नोबल प्राइज़ से रिलेटेड कि इस 2020 का जो ईयर रहा है उस दौरान कौन कौन से नोबल प्राइज़ दिए गए हैं और किन किन को ये नोबल प्राइज़ दिए गए हैं इसके बारे में हम इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो देखिए जो नोबल प्राइज़ हैं वो अवार्ड किए जाते हैं मेनली किन फील्ड में अवार्ड किए जाते हैं मेनली इसके लिए फ़ाइव फील्ड्स होते हैं इसमें हमारा आता है केमिस्ट्री लिटरेचर पीस फिज़िक्स एंड मेडिसिन मतलब फिजियोलॉजी भी आप बोल सकते हैं ये फाइव फील्ड्स हैं जिसके अंदर ये जो प्राइजेस हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं इसके साथ साथ इकोनमी के फील्ड में भी प्रोवाइड किया जाता है लेकिन वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे तो देखिए सबसे पहले जब इनको स्टार्ट किया गया था इनको 1901 के अंदर स्टार्ट किया गया था और तभी इनको सबसे पहले फर्स्ट अवार्डेड मतलब फर्स्ट टाइम इनको ये अवार्ड जो है वो दिए गए थे अब देखिए ये किस किस कंट्री के द्वारा ये प्रोवाइड किए जाते हैं देखिए स्वीडन जो है स्वीडन इस कंट्री के द्वारा सभी किस भी प्राइजेस एक्सेप्ट पीस प्राइज़ यानी जो शांति के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है नोबल पुरस्कार उसके अलावा बाकी सारे प्राइजेस जो हैं वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं अगर हम पीस प्राइजेस की बात करें तो पीस जो प्राइज़ है वो किसके द्वारा दिया जाता है ये दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा तो आप ये ध्यान रखिए कि ये बाकी के जो फोर हैं केमिस्ट्री लिटरेचर फिज़िक्स एंड मेडिसिन इन सभी फील्ड में जो है स्वीडन के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है और अगर हम बात करें पीस प्राइज के बारे में तो ये नॉर्वे के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है अब देखिए इसके लिए मेनली जाती है ये अराउंड जो है वो 9 है वो मिलियन के करीब होती अब देखिए हम बात करते हैं कि नोबेल है, किस तरीके से जो है स्टार्ट हुए थे और क्या वजह थी इनकी स्टार्ट करने की अब देखिए कि जो नॉबल पुरस्कार है इनकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है ये स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड बनहार्ड नोबेल जो कि 1901 में इनकी स्थापना करते हैं अब देखिए जो नोबेल अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल हैं इनका जन्म 1833 के अंदर स्वीडन का जो स्टोक शहर है सिटी है उसके अंदर हुआ था नौ वर्ष की उम्र के अंदर ये कहाँ चले गए थे जब ये नाइन ईयर के थे तब ये जो है रूस चले गए थे अपनी फैमिली के साथ अल्फ्रेड जो नॉबल है ये काफ़ी महान वैज्ञानिक हैं और एक केमिकल इंजीनियर भी रहे हैं इन्होंने 1867 के अंदर डायनामाइट का आविष्कार किया था देखिए ये पुरस्कार जो हैं वो अक्टूबर के मंथ के अंदर जो है आ, एक तरीके से घोषित किए जाते हैं कि उनके नाम जो है जो भी जो इसके लिए जो कमेटी होती है वो कमेटी क्या करती है कि जो नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं उनकी घोषणा अक्टूबर के हर एक साल जो है अक्टूबर मंथ के अंदर करती है लेकिन इनको वितरण कब किया जाता है मतलब डिस्ट्रीब्यूट कब किया जाता है इनको किया जाता है जो एल्फ्रेड नोबल की जो पुण्यतिथि है उसके अवसर पर टेंथ दिसंबर को टेंथ दिसंबर को ये क्या किए है? जाते हैं वितरित किए जाते हैं इसके अंदर जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट दी जाती थी वो एटी लैक्स स्वीडिश क्रोनर मतलब स्वीडिश की जो करेंसी है स्वीडन की जो करेंसी है क्रोनर उस के अंदर ये अमाउंट दी जाती थी एटी लाख स्वीडिश क्रोनर और अगर हम बात करें रुपीस के अंदर तो ये अराउंड इतने रुपीस पड़ती है सिक्स पॉइंट टू थ्री करोड़ रुपीस के करीब पड़ती है उसके बाद टू थाउजेंड सेवेंटीन में अंदर इसकी अमाउंट को बढ़ा दिया गया था जो कि नाइनटी लैख स्वीडिश क्रोनर के क्रोनर कर दी गई थी बढ़ाकर और जिसको जो है कितने के अराउंड माना जाता है सेवन पॉइंट टू फाइव करोड़ के करीब माना जाता है तो देखिए जो मेनली जो नॉबल प्राइजेस हैं वो मेनली पांच जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर दिए जाते हैं एक फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री मेडिकल के अंदर पीस के लिए दिया जाता है और साथ साथ लिटरेचर के लिए दिया जाता है अब देखिए जो अर्थशास्त्र के लिए यानी जो इकनॉमी के लिए जो मैंने बोला था इकोनॉमी के लिए जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है ये देखिए स्वेरिजेस रिस्क बैंक जो कि स्वीडिश बैंक है स्वीडन का ही बैंक है इसके द्वारा दिया गया था जब उन्होंने अपनी आ, तीन सौ वर्ष गांठ बनाई तब उसके उपलक्ष्य में इन्होंने इसको स्टार्ट किया था वो भी कब 1967 के अंदर जबकि बाकी हमने देखे वो कब स्टार्ट हुए थे 1901 के अंदर स्टार्ट हुए थे लेकिन जो अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है ये स्वीडिश बैंक के द्वारा दिया जाता है जो कि 1967 के अंदर शुरू किया गया था और पहली बार इसको प्रदान किया गया था कब नाइनटीन के अंदर इसको दिया गया था अब देखिए ये जो अर्थशास्त्र के लिए जो नोबल पुरस्कार है इसको किस इस नाम से बुलाया जाता है इसको अर्थशास्त्र में नोबल समृति पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है अब हम बात करते हैं कि 2020 के अंदर ये पुरस्कार जो है वो किन किन को दिए गए थे तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर कि ये जो है पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं तो देखिए इसमें माइकल ह्यूटन जो कि अमेरिका के हैं हार्वे जे ऑल्टर ये भी अमेरिका के हैं और चार्ल्स एम राइस ये ब्रिटेन के हैं तो देखिए ये ब्रिटेन के हैं और ये दोनों जो हैं ये अमेरिका के हैं इन दो इन तीनों साइंटिस्ट को ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है अब देखिए इनको पुरस्कार किसके लिए दिया गया है ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो है किस विषय पर अपनी खोज की थी तो देखिए ये जो है हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसके ऊपर इन्होंने खोज की थी और उसकी डिस्कवरी के लिए ही इनको क्या दिया गया है ये प्राइज दिया गया है आगे हम बात करते हैं देखिए फिजिक्स से रिलेटेड यानी फिजिक्स के फील्ड में हमने जो है प्राइज किस तरीके से दिए जाते हैं तो देखिए इसके अंदर जो है रोज़र पेनरोस जो कि जर्मनी के हैं ये देखिए रोजर रोजर पेनरोस ये जर्मनी के हैं उसके बाद देखिए रेन गेंजेल रेन गेंजेल ये जो है यूएसए से हैं उसके बाद देखिए एंड्रिया गेज ये भी यूएसए से हैं तो इनको जो है ये प्राइज़ दिया गया है इन तीनों साइंटिस्ट को ये प्राइज़ दिया गया है किसके लिए दिया गया है तो देखिए इन्होंने जो है जो ब्लैक होल थ्योरी है उससे रिलेटेड ब्लैक होल का गठन करते टाइम जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसके लिए इन्होंने अपना पूर्वानुमान दिया था मतलब एक फोरकास्ट लगाया था जो कि काफ़ी करेक्ट भी साबित होता है होता है तो इसके फील्ड में इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था ब्लैक होल से रिलेटेड जो उनकी थ्यूरी उन्होंने प्रेजेंट की है उससे रिलेटेड खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया उसके पूर्वानुमान के लिए अब आगे देखिए बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है इमेनुअल चार पियर के को और इसके साथ साथ जो है जेनिफर ए डोडेना डोडेना को जो कि यूएसए हैं ये यूएसए हैं और उसके बाद ये देखिए ये फ्रांस से हैं तो इन दोनों को ये प्राइज दिया गया और किसके अंदर दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक नया मेथड खोज निकाला है किसका जीनोम एडिटिंग का यानी जो जीन एडिटिंग होती है जीन्स के अंदर जो मॉडिफिकेशन की जाती है उसके अंदर इन्होंने अपना मेथड अलग से एक मेथड डेवलप किया है जिसकी अंदर खोज इस खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है आगे बात करते हैं के लिए यानी शांति के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये जो यूएन की एजेंसी है यूएन की एजेंसी है ये यूएन की एजेंसी है इसको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है क्योंकि इसने जो है हंगर के खिलाफ काफ़ी बड़ी जो है एक तरीके से जंग लड़ी है मतलब काफ़ी लोगों की मदद की है हंगर को मिटाने के लिए यानी उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है लगभग टेन करोड़ पीपल्स की इन्होंने हेल्प किया है और इसी वजह से इनको जो है ये पीस प्राइस इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है आगे देखिए बात करते हैं इकॉनमी के क्षेत्र में इकॉनमी के क्षेत्र में जो है प्राइस किसको दिया गया है तो देखिए एक तो है ये पोल आर मिलेग्राम पॉल आर मिलीग्राम को जो कि यूएसए से हैं और उसके दूसरे जो हैं वो हैं रॉबर्ट बी विल्सन रॉबर्ट बी विल्सन ये भी यूएसए से हैं तो देखिए मेनली जो हैं कितने साइंटिस्ट यहाँ पर यूएसए से आप देख सकते हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं साइंटिस्ट भी रहे हैं तो ये यूएसए से बिलोंग करते हैं और इनको ये आ, किस लिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो है अपनी ऑक्शन के ऑक्शन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने जो ऑक्शन से रिलेटेड जो थ्योरी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की है और नए तरीकों की खोज की है कि किस तरीके से जो है ऑक्शन की जा सकती है मतलब न्यू इन्वेंशन किस तरीके से की जा सकती है जब ऑक्शन करते हैं ऑक्शन मतलब नीलामी तो नीलामी से रिलेटेड जो थ्योरी है उनकी जो सिद्धांत है उसके अंदर इन्होंने सुधार किया है और उसके लिए जो है इन्होंने नए तरीके भी खोजे हैं इसके लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया है आगे देखिए लिटरेचर के फील्ड में लिटरेचर के फील्ड में आप देख सकते हैं लुइस ग्लूक जो कि क्या है ये भी यूएसए से बिलोंग करती हैं और ये क्या है पोइट्स हैं मतलब एक कवित्री हैं तो इन्होंने इनको ये किस में मिला है क्योंकि इनकी इनकी जो पोइटिक वॉइस है वो काफ़ी अनमिस्टेकेबल है मतलब काफ़ी शानदार है और इसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसको पहचान मिली है और इसी वजह से इसको क्या दिया गया है साहित्य के अंदर ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है तो यहाँ पर ये हमारे जो नोबल प्राइज़ हैं वो यहाँ पर फिनिश होते हैं तो हमने देख लिया कि जो छः फील्ड हैं जिनके अंदर ये नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं ये 2020 के अंदर किन किन को प्रोवाइड किए गए हैं और इनकी शुरुआत कब की गई थी और किस किस कंट्री के द्वारा ये प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.